सपनों को हमेशा आपको गुप्त रखना चाहिए, कभी भी किसी को बताने की भूल तक भी नहीं करनी चाहिए। अब आपके अमीर बनने के दिन करीब है, ये 5 सपने हमेशा आपको राज रखने चाहिए अगर आपको धनवान बनना है तो। दोस्तों, हम सभी तरह के अलग अलग सपने देखते हैं। सपने हमारे जीवन, हमारी वास्तविकता से जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि रात में हमें अजीबोगरीब, भयानक या डरावने सपने आते हैं जिनका हमें अंदाजा तक भी नहीं होता, लेकिन इन सपनों का एक इशारा होता है, एक संकेत होता है जिन्हें समझने की हमें जरूरत है। शास्त्र कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए अपना वास बना ले और महालक्ष्मी को आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट्स में सच्चे मन से माता रानी का जयकारा तो बनता है। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट्स में लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। दोस्तों, सपनों की दुनिया खूबसूरत दुनिया मानी गई है और भयानक भी, और इसी के साथ ही कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ जो हम आपको सपने बताने वाले हैं, भूल कर भी किसी के साथ शेयर करने की गलती ना कीजिएगा, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी और करोड़पति बनने से पहले ही आपके सपने टूट जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी को भी आप ये सपने ना बताएं, हमेशा आपको ये गुप्त रखने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला सपना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्वयं भगवान को सपने में देखना। हमने अक्सर देखा है कि कई लोग सपने में भगवान को देखते हैं और वो इस बात को गुप्त नहीं रखते हैं, सभी में आग की तरह फैला देते हैं। दरअसल उन्हें इतनी खुशी होती है इस बात की कि वो सबके साथ इस बात को शेयर कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए अपशगुन साबित हो सकता है, अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार दिव्य शक्तियां उसी के सपने में और सामने आती है जो ईश्वर का प्रिय होता है, जिसका दिल कोमल हो, जो धनवान बनने वाला हो। आप सोचिए, भगवान आपको दर्शन देना चाहते थे, इसीलिए वो आपके सपने में आए। वो हर किसी को अपने दर्शन नहीं देना चाहते, तो ऐसे में अगर आप सबके बीच में ये बात फैला देंगे तो ये तो भगवान की इच्छा का अनादर होगा। दिव्य शक्तियां जब आपके सपने में आ जाएं, तो अगली बार आपको इन सपनों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, कभी भी किसी के साथ गलती से भी शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि ये संकेत अमीर बनने के हैं। भगवान आपको सपने में इसलिए दिखाई दिए क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान है और भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसलिए उसका आदर करें। दोस्तों, अगला सपना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में तीर्थ स्थल देखना। जब कोई इंसान अपने सपने में तीर्थ स्थल देखता है, बहुत ही ज्यादा भक्तिमय हो जाता है और ऐसे में वो ये सपना अपनी इच्छा समझ के सामने वाले को बता देता है। जब इंसान बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से घिरा होता है, तब उसे इस तरह के सपने आते हैं। इसलिए आपको ये सपना किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। सपनों में तीर्थ स्थल देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होने की ओर इशारा करता है। अब आप जल्द ही धनवान होने वाले हैं। इसके अलावा सपने में हरे भरे खेत, बाग, हरियाली अगर आपको सपने में दिखाई दे, तो आपको इस तरह के सपने भी कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये आपके व्यापार या नौकरी में तरक्की मिलने के संकेत है। ऐसे में आपकी खुशियों को नजर लग सकती है। कहीं से घर में ढेर सारी खुशियां आने की ओर ये इशारा करता है। ऐसे सपने बताते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। इससे आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग भी बनते हैं और इसलिए ये सपना आपको हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। अगला सपना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गंगा की बहती हुई धारा। आपने सपने में अगर देखा है, जब भी ऐसा सपना अगर आपको आए तो आपको बहुत ही खुश हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में खुशियां आने वाली है और ऐसे में अपने सपने वाली बात आपको कभी भी किसी को बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा सपना जिस भी व्यक्ति को आता है, ये उसके पाप का विनाश करता है। साथ ही साथ ये बताता है कि आप एक पवित्र व्यक्ति है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, सपने में अगर आपको आपके माता पिता आपको जल पिलाते हुए दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि अब बहुत ही जल्द अवश्य ही आप कामयाब होने वाले हैं। साक्षात माता पिता का सपने में आना तो ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत है। ऐसा व्यक्ति हर हाल में कामयाब होता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर ऊंचे पर्वतों से बहता हुआ जल आप अपने सपने में पीते हुए खुद को देख लेते हैं, तो यकीनन आपका अमीर बनना निश्चित है।
दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसा सपना कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही दिखाई देता है। ये सपना सबको नहीं दिखता, बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति ने अपने सपने में स्वयं माता लक्ष्मी को देखा है, तो अब उसकी किस्मत की तो चांदी ही चांदी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तो बस आपको खामोश हो जाना चाहिए। ऐसा सपना किसी को भी बताने की गलती तो ना ही करें, क्योंकि अब आपके बुरे दिन गए। ऐसे में आप कभी भी किसी भी दिन धनवान बन सकते हैं, लेकिन याद रहे, ये सपना कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने आपको सपने में दर्शन दिए हैं और ये संकेत दिया है कि वो आपके घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाना चाहती है। ऐसे में भलाई इसी में है कि आपको ये सपना किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इसलिए अपने भाग्य में धन चाहते हैं तो इसे गुप्त रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।